पर्व छठ के तीसरे दिन आज अर्पित किया जाएगा पहला अर्घ। छठ के अवसर पर जारी किया गया डाक टिकट। जीतन राम मांझी बनाए गए प्रोटेम स्पीकर। और नौ नियुक्त मंत्रियों का गिरिडीह जिले में किया जा रहा है स्वागत। नमस्कार, मैं अहमद रजा हाशमी। अब समाचार विस्तार से। चार दिवसीय लोक आस्था का महापर्व छठ के तीसरे दिन आज अस्ताचलगामी सूर्य को महापर्व का पहला अर्घ अर्पित किया जाएगा। कल दूसरे दिन खरना का अंतर। गंगा घाटों पर जिला प्रशासन और नगर निगम ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। इसके तहत सभी घाटों पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की तैनाती कर दी गई है। घाटों पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के जवान रिवर एम्बुलेंस और ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ मौजूद है। इधर कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने लोगों से यथासंभव घर पर ही छठ करने की अपील की है। जिलाधिकारी कुमार रवि ने शहरवासियों से अपील की है कि छठ पर्व पर व्रती अपने अपने घरों में ही भगवान सूर्य को अर्घ दे। साथ जिला प्रशासन ने छठ व्रतियों की सुविधा के लिए सभी घाटों पर समुचित तैयारी की है, पर्याप्त व्यवस्था की है ताकि उनको कोई कठिनाई नहीं हो। नहीं, जो महत्वपूर्ण पुल हैं जैसे महात्मा गांधी सेतु है, जेपी सेतु है, इन सब के बारे में कहीं भी कोई रोक लगाने के बारे में निर्देश नहीं जारी किए गए हैं और उसी के अनुसार ट्रैफिक की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी। छठ पर्व में खतरनाक घाटों पर अर्घ देना प्रतिबंधित कर दिया गया है। जिला प्रशासन द्वारा खतरनाक घाटों की जो सूची जारी की गई है उनमें मुख्य रूप से बुद्ध घाट, अदालत घाट, मिश्री घाट, जजेस घाट, वंशी घाट, जहाज घाट, अंटा घाट, सिपाही घाट, बीएन कॉलेज घाट, बालू घाट, खचकला घाट, पत्थर घाट, अदरक घाट, रिकाबगंज घाट, पीर दमड़िया घाट, नंदगोला घाट, नूरुद्दीनगंज घाट, बुंदेल टोली घाट, दमराही घाट, केशवराय घाट और बांस घाट है। छठ पर्व को लेकर पटना में यातायात व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है। 21 नवंबर तक अशोक राजपथ पर दानापुर से आरा गोलंबर से दीदारगंज पोस्ट तक वाहनों के मार्ग में परिवर्तन किया गया है। इस दौरान एम्बुलेंस, मीडिया, प्रशासनिक वाहन सहित अन्य आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों को छूट रहेगी। इस बीच छठ को लेकर बाजारों में विशेष चहल पहल है। सूप, दौरा, फल और मिट्टी के चूल्हे से बाजार सज चुके हैं। लोग छठ पूजन सामग्री की खरीदारी कर रहे हैं। दूसरी तरफ पटना के विभिन्न चौक चौराहों पर समाज सेवकों द्वारा छठ पूजा सामग्री और सूप का वितरण किया जा रहा है। लोक आस्था के महापर्व छठ के अवसर पर पटना में सांप्रदायिक सौहार्द और एकता की मिसाल देखने को मिल रही है। पटना सिटी के आदर्श घाट के किनारे मुस्लिम महिलाएं गंगा घाट जाने वाले रास्तों पर झाड़ू लगाकर साफ सफाई कर रही हैं। पूर्व स्थानीय पार्षद मुमताज जहां ने बताया कि वे कई वर्षों से छठ के अवसर पर घाटों की सफाई करती आ रही हैं। जो आने आएंगी वहां पे उनको कोई कष्ट ना हो, परेशानी ना हो, उनकी सुविधा के अनुसार जो है पूरी साफ सफाई की व्यवस्था की जाती है। छठ की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई भी देती हैं तमाम मुस्लिम महिलाएं। डाक विभाग ने छठ महापर्व के अवसर पर माय स्टाम्प जारी किया है। नई दिल्ली में केंद्रीय संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने टिकट का विमोचन किया। माय स्टाम्प किसी व्यक्ति या विशेष महत्व वाले अवसरों और सांस्कृतिक विरासतों के प्रसंग में उनके महत्व को बढ़ाने वाला है। डाक टिकट की इस पहल से बिहार परिमंडल का महत्व भी बढ़ा है। पटना सिटी के भद्रघाट से हाजीपुर के तेरसिया घाट को जोड़ने वाले पीपा पुल पर छठ के मद्देनजर आज से शनिवार के पूर्वाह्न तक वाहनों का परिचालन नहीं होगा। पुल के दोनों ओर से घाटों पर छठ करने के लिए श्रद्धालुओं के उमड़ने की संभावना है। शनिवार को दोपहर बाद पीपा पुल पर वाहनों का आवागमन शुरू हो जाएगा। मेवालाल चौधरी ने शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। राज्यपाल फागू चौहान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सलाह पर भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी को अगले आदेश तक शिक्षा विभाग का अतिरिक्त कार्य
आवंटित कर दिया है। श्री मेवालाल ने कल शिक्षा मंत्री का पदभार ग्रहण करने के कुछ ही घंटों बाद अचानक इस्तीफा दे दिया था। ऐसा माना जा रहा है कि विपक्ष के द्वारा उन पर लगाए जा रहे भ्रष्टाचार के आरोपों के दबाव में आकर उन्होंने इस्तीफा दिया है। श्री मेवालाल चौधरी मुंगेर जिले के तारापुर के जदयू विधायक हैं। सबौर विश्वविद्यालय के कुलपति रहने के दौरान श्री चौधरी पर नियुक्ति घोटाले का आरोप है। साथ ही वे विश्वविद्यालय में भवन निर्माण संबंधित घोटाले में भी आरोपित हैं। वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जब बिहार के राज्यपाल थे तब उन्होंने इस मामले में जांच के आदेश दिए थे। राज्यपाल के आदेश के आलोक में श्री चौधरी पर कुलपति पद के दुरुपयोग को लेकर प्राथमिकी दर्ज हुई थी। रिपीट कर रहे कि मेरे अगेंस्ट कुछ है ही नहीं, कोई तथ्य नहीं है, निराधार है, बेबुनियाद है और कुछ नहीं। सर ये तो आपका दावा है लेकिन मामला तो कोर्ट में अभी भी लंबी तो मामला है। कोर्ट में लंबी तो उसका इंतजार कर लीजिए ना आप, उसके बाद सवाल कीजिएगा। जब मामला कोर्ट में लंबी था आप इंतजार कर लीजिए ना, अभी कैसे आप कैसे आप सुन लीजिए। आप सवाल ये है, एक सवाल ये है, सवाल एक ही है, आप लोग खुद अगर इंफ्रा अपना इंफ्रा ड्रॉ कर लें तब तो कोई बात नहीं। हम जब एक सवाल का जवाब दे दीजिए। वक्त है कॉमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ जुड़े रहिए अन्य महत्वपूर्ण समाचारों के लिए। सर आपका केवाईसी अपडेट करना है नहीं तो अकाउंट और एटीएम कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान सावधान, ढाई करोड़ का इनाम मुझे। देखिए अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन ओटीपी पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान, आरबीआई कहता है। जानकार बनिए, सतर्क रहिए। समाचारों में आपका पुनः स्वागत है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी को बिहार विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। राज्यपाल फागू चौहान ने राजभवन में उन्हें इस पद की शपथ दिलाई। निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। बिहार मंत्री परिषद के नवनियुक्त अधिकांश मंत्रियों ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। अशोक चौधरी ने भवन निर्माण विभाग, समाज कल्याण और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का कार्यभार संभाला। इस अवसर पर श्री चौधरी ने कहा कि सरकार के सात निश्चय योजना का लाभ जन जन तक पहुंचाना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। मेगा रूप से स्किल्ड कर सके और उनको जॉब प्रोवाइड कर सके, कैसे उनके लाइवलीहुड को हम इंक्रीज करें, यह हमारी प्राथमिकता है। प्रदेश में नवगठित मंत्रिमंडल के विभिन्न मंत्री पदभार ग्रहण करने के बाद अपने अपने क्षेत्रों के दौरे पर हैं। इस कड़ी में उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद कटिहार पहुंचे जहां उनका नागरिक अभिनंदन किया गया। इसके उपरांत उप मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। संवाददाताओं से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को हर घर तक पहुंचाना उनकी पहली प्राथमिकता है। लगातार 3 कार्यकाल से विकास के पथ पर अग्रसर है, ऊंचाई को प्राप्त किया है। आने वाले दिनों में जो जन आकांक्षाएं हैं, जो जनता की चाहत है बिहार को और कैसे बेहतर किया जा सकता है, तो उसमें उनका सहयोग चाहिए। पशुपालन और मत्स्य मंत्री मुकेश सहनी का अपने गृह जिला दरभंगा पहुंचने पर आम नागरिकों और समर्थकों ने स्वागत किया। अभिनंदन समारोह के दौरान श्री सहनी ने कहा कि आने वाले दिनों में प्रदेश के विकास के लिए विभाग द्वारा कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर अमल काम कराया जाएगा। और निश्चित तौर पे जो हमें मंत्रालय मिला है उस पर बहुत हद तक हम लोग काम करेंगे। और आपको पता ही है कि निषाद समुदाय से आते हैं और मत्स्य पशुपालन मंत्रालय हमें मिला है,
इसमें बहुत कुछ काम करेंगे, खास करके निषाद समुदाय के लेके, बिहार के 12 करोड़ जनता के लिए, और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार जो चलेगा निश्चित तौर पर उस पर हम लोग बहुत बेहतर काम करेंगे आने वाले समय में। बेगूसराय में सरकार की समेकित बाल संरक्षण योजना के तहत संचालित दत्तक ग्रहण संस्थान में पल रही एक अनाथ बच्ची को ममता की छांव मिल गई है। कोलकाता के एक दंपति ने संस्थान से इस बच्ची को गोद ले लिया है। संस्थान की समन्वयक ऋतु सिंह ने बताया कि पिछले 2 साल से इस बच्ची की परवरिश संस्थान में ही हो रही थी। उन्होंने बताया कि अनाथ बच्ची को माँ बाप का साया मिल गया है। है कि हमारे बच्ची बड़ी होगी, जैसे हम खुद अगर ऐसे सोचते हैं कि हमारे बच्ची बड़ी होगी, उसके बहुत अच्छे से स्कूल में भर्ती कराएंगे, अच्छे से परवरिश कराएंगे, जैसे अपनी बच्ची को जो कराते हैं ना, वो ऐसे ही हम अपने बच्चे को ऐसे ही पालेंगे। ये वैसे बच्चे हैं जो कि सरेंडर, एबंडन और ऑर्फन बच्चे हैं, ठीक है। बच्चे को वो 0 से 18 साल के को दिया जाता है, चूँकि ये बहुत नवजात शिशु है, तो हमारे यहाँ 0 से 6 साल के बच्चे को रखा जाता है। और भावी दत्तक माता पिता जिनके बच्चे नहीं हैं, या लड़के हैं, लड़कियाँ नहीं हैं, लड़की हैं, लड़के, उनको इन बच्चों को एक परिवार दिया जाता है और परिवार को बच्चे दिया जाता है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कल नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में 2 पुस्तक द रिपब्लिकन एथिक और लोकतंत्र के स्वर के ई वर्जन का विमोचन किया। समारोह में उपस्थित रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इन पुस्तकों में राष्ट्रपति के चुनिंदा भाषणों का संकलन है। वहीं सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि ऐसी पुस्तकें भारतीय लोकतंत्र को समझने की प्रेरणा देती है। गरीबों की सेवा के प्रति वो बहुत ही समर्पित रहे हैं, विनम्रता, शालीनता। जब कभी वो भाषण करते हैं तो स्वाभाविक रूप से उनके भाषणों में भगवान बुद्ध की चर्चा होती है, कबीर की चर्चा होती है, महात्मा गांधी की चर्चा होती है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की, पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय की, इन सब सारे लोगों की के संबंध में कुछ ना कुछ उनकी उक्तियाँ, कुछ ना कुछ उनके कथन, इसका उल्लेख राष्ट्रपति महोदय अपने भाषणों में बराबर करते रहते हैं। समाज के शोषित, दलित, पिछड़े, ऐसे जो लोग हैं उनकी जीवन आपको कैसे ऊपर उठाया जाए, इसके बारे में भी समय समय पर उन्होंने चर्चा की है। और मैं मानता हूं कि ऐसी किताबें ये निश्चित रूप से सबको एक तरह से प्रेरणा देती है, संदर्भ देती है, भारत के आशय को स्पष्ट करते हैं। ऐसे में इस तरह का एक नेतृत्व की श्रृंखला भारत को मिली है, इसका हमें सबको गर्व है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। 4 दिवसीय लोक आस्था का महापर्व छठ के तीसरे दिन आज अर्पित किया जाएगा पहला अर्घ। छठ के अवसर पर जारी किया गया डाक टिकट। जीतन राम मांझी बनाए गए प्रोटेम स्पीकर। और नवनियुक्त मंत्रियों का गिरिडीह जिले में किया जा रहा है स्वागत। तो ये थी अभी तक की खबरें। कोरोना से बचाव के लिए हमेशा 2 गज की दूरी बनाएं, हाथों को सैनिटाइज करें और सही तरीके से फेस मास्क लगाएं। नमस्कार।